गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बजाज चेतक की बैकलाइट कैसे चेंज कर सकते हैं। ये है मैंने बुलेट के लिए, बुलेट की बैकलाइट है। तो मैंने सोचा यार नॉर्मल तो हर कोई लगाता है, तो कुछ नया करके देखते हैं। तो मैंने बुलेट की खरीद ली, मेरे को अराउंड 140 की पड़ी, और इस पर मैंने टेपिंग करवाई थी 20 रुपये की। तो ये मेरे को खींचतान के 160 तक की पड़ गई, और इसमें बल्ब वल्ब सब फिट है। तो मैंने इसको पहले यूज़ किया था, तो यूज़ करने के बाद मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना देते हैं दूसरी क्या हो जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, मैं आपको अपना पहले स्कूटर दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये है मेरा बजाज चेतक स्कूटर 2004 मॉडल। बाकी इसमें मजा तो बहुत है, लोग इसको लेजेंड कहते थे। लेजेंड मतलब था उस टाइम का, जिस टाइम में चलता था। अभी तो मेरे पापा कहते, मैंने सोचा यार पापा चलाते, मैं भी चलाता, थोड़ा इसको मॉड्स कर दूँ। तो जो ये वाली बैक लाइट है, मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी कि पेचकस और कैंची, टेप और एक ये चाबी, और इसमें एक आपको 10 नंबर की भी चाबी चाहिए होगी, जो ये 10 नंबर जो इसका स्क्रू खोलेगा। ये 8 नंबर की चाबी होगी जो इसके यहाँ पर इस पेज को कसने में काम आएगी। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट। गाइस, जो मैं अब बताने वाला हूँ कि इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है। मैंने ये साइड का इंजन कवर इसलिए हटा दिया कि आपको दिखाने में आसानी हो मुझे। तो अब स्टार्ट करें, तो इससे पहले आपको 2 10 नंबर के पेंच खोलने पड़ेंगे, जो कि एक ये देखिए, एक ये रहा और एक ये यहाँ का शायद गिर गया होगा। तो एक इसको मैंने ढीला कर रखा था, तो बस इसको ऐसे ऐसे खोलिए और ये बाहर आ जाएगा। ये पूरा बाहर आ गया और मेरी लाइट बाहर आ गई। ये देखिए लाइट मैंने पूरी निकाल दी। अब वो सिंपली कुछ नहीं करना अपने को, ये जैसे ये छेद ये आपकी गाड़ी में नहीं होगा, तो मैंने इसको मैं क्या कहते हैं बेल्डर के पास जाके इसमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा छेद करवा लेता ताकि वो फिट हो जाए। जैसे जस्ट लाइक ये देखिए कुछ ऐसे बैठेगा अंदर दबके। तो आगे मैं आपको बताता जाता हूँ, आप देखते जी सेम प्रोसीजर करना, और वायरिंग भी इसकी सेम आसान ही है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस टाइप का है नहीं। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। सो गाइस, देखिए जैसे इसमें 3 तार है, उधर से भी 3 आ रही हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कलर मैचिंग करनी है। देखिए ये जो है ब्लैक, इसको ब्लैक से, और ये येलो को येलो से, जो लास्ट में व्हाइट वाली व्हाइट ही कह लिए, दोनों व्हाइट ही, इन दोनों को व्हाइट से जोड़ दीजिए, और जो तीसरी बची उसको हरे से जोड़ दीजिए। काला काला, व्हाइट व्हाइट और हरे से तीसरे कलर को। तो मैं इसको करता हूँ, आपको बाद में बताता हूँ। ओके, देख सकते मैंने इसकी 3 तारों को जोड़ दिया, सेम कलर से जोड़ना है, कुछ फाल तो है नहीं। ब्लैक को ब्लैक से, व्हाइट को येल्लो से, एंड ग्रीन को ब्लू से, इनको जोड़ दीजिए, और बस इसको वापस अंदर धक्का दे दीजिए। इनको जहाँ निकाला वहीं वापस भेज दीजिए, अंदर ही कर दीजिए इसे, ज़्यादा कुछ अपने आप करना नहीं है। और इसको ये देखिए, मैंने इसका स्पेशली इसमें छेद करवाया था जाके, तो आपको भी करवाना पड़ेगा अगर आप यही वाली लाइट लगाते हैं। तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा काम अपना। तो बस इसको धक्का देना है, और ये देखिए जैसे छेद इस छेद में ही जाएगा, ये पूरा फिट प्रॉपर फिट बैठे, और इसके स्क्रूज वाला भी उधर ही जाएगा जहाँ मेरे को मैंने इसमें छेद करवाया। ये देखिए इसका वो चले गए, उस साइड से ही निकले होंगे इसके छेद, और अपने को कुछ नहीं करना है। ये जो स्क्रूज है मेरे पास, इन्हें अपने को ये उठा लेने 8 नंबर के, और जैसे उधर जो छेद उधर इसके पेंच है उधर उधर इसको कसना, मैं इसको कसता हूँ आपको, फिर उसकी फोटो दिखाता हूँ। चलो अभी करता हूँ, लगा दिया। आप इसका देख सकते हैं यहाँ पे इसके ये वाले जो दोनों थे, ये दोनों मैंने कस लिए हैं, और अब इसका ज़्यादा कुछ रहा नहीं है काम। तो मैंने इसकी नंबर प्लेट भी ऐसे देने बंद रखी है, और वो मेरे पास आ गए, तो मैं उसको उसकी भी आपको फोटो दिखाता हूँ। चूँकि हाँ, तो वैसे ये मेरी नंबर प्लेट है 4519325, मेरी गाड़ी का नंबर है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको लगा दो। ये जो आप ये पत्ती देख रहे हैं, 8 यहाँ पे 10 नंबर या 8 नंबर का छेद है, और आप इसे डिस्क ब्रेक की पत्ती कह सकते हैं। तो जो भी बाइक स्पेयर पार्ट वाला हो उससे बोल दी भाई डिस्क ब्रेक की पत्ती चाहिए, जिसमें आगे 8 पीछे 10 नंबर का हो छेद उसको। तो बाकी अपने को करना कुछ नहीं, जैसे इसके जो छेद गए थे ना पीछे, यहाँ से देखिए जो यहाँ पे स्क्रूज गए हैं इसके अंदर, तो अपने को कुछ नहीं करना, बस उन स्क्रूज पे इसको डालना है और कस देना है, बस दैट्स इट, और कुछ काम ही नहीं इसमें। चलो वो करता हूँ, फिर इसके थोड़े शॉट्स देख लीजिए आप। स्क्रू खोल दिया, और कुछ नहीं करना। ये देखिए ये बाहर आ गया, हमको बस इसको ऐसे लेना है, जैसे ये पेच है ना, ये पेच इसके अंदर इसका कोई भी छेद डाल दीजिए, और ये सीधा होना चाहिए जैसे ये देखिए ऐसा आएगा। ये अब देखना, ये सही लग रहा है पहले से, तो
उस लाइट से अच्छा तो मुझे यही लग रहा है, तो मैं इसको अभी पूरा कस देता हूँ, पूरी पैकिंग वैकिंग करता हूँ, फिर इसकी ब्रेक व्रेक जला कर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने इसे पूरा पैक कर दिया है, अब इसका ये वैसे लुक अच्छा आ रहा है इसका देखने में, हाँ फिर भी पिछले वाली से तो ज़्यादा ही बढ़िया है। तो अब इसको मैं आपके इसकी ब्रेक लाइट वगैरह चेक करके बताता हूँ। तो गाइस देखिए जैसे मैंने लगाया था ये चल रही है लाइट इसकी, ये मैंने अभी हेडलाइट से जला रखी, सही है वैसे अपना काम हो जाएगा। जो बस आज के लिए यही थी इस वीडियो, आपको ये मेरा बैक लाइट बदलना और वीडियो ढंग की लगी हो तो इसको प्लीज़ पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैंने कई और चीज़ें लगाई है जैसे कि इसमें ब्रेक लाइट बल्ब लगाया है, किल ऑन ऑफ स्विच लगाया है, किल स्विच, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाकर डालता रहूँगा। सो होप यू गाइज लाइक, आपको पसंद आई होगी वीडियो, सो अपना प्यार बरसाइए और इस वीडियो को पसंद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। और हाँ गाइस जी पीछे से साउंड आ रही है, उसको ज़रा इग्नोर करना, ओके बाय।